एक ना एक दिन पेश होगा। लेकिन जुल्म इस पर यह है कि मुखालफीन और मुआनदीन अहमदियत आप अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में तरह तरह की लगभग और झूठी बातों को मशहूर करते हैं। आपसे हम यहाँ पर यह पूछना चाहते हैं कि इस जमाने के आखिरी इमाम हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफात कहाँ और किन हालात में हुई? साहब, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये एक बड़ा ही अहम सवाल है जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर हमारे गैर अहमदी अहबाब बहुत ही गलीज और रकीक किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बयान करते हैं और बिला वजह एक ऐसी बात बयान करते हैं जो सरासर जुल्म और नाइंसाफी है। इस सवाल के बुनियादी तौर पर दो हिस्से हैं। एक तो ये कहा जाता है कि आपकी वफात किस जगह पर हुई। ये लोग जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, इतराज़ करने वाले हैं, हर किस्म की शराफत की बात को छोड़ते हुए अपनी तरफ से बनाकर बयान करते हैं कि उनकी वफात नऊज़ु बिल्लाह बैतुलखला में हुई। अब सवाल यह है कि इस इतराज़ का और इस इल्ज़ाम का और इस बुहतान का क्या उनके पास कोई जवाब है? क्या इसके पास कोई सबूत है? क्या कोई गवाह है जो ये कह सके कि वाकई ऐसी बात हुई है? हकीकत यह है कि हम हर यानी अपने जज्बात पर काबू रखते हुए कि हमारी जुबान से कोई सख्त लफ्ज न बयान हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि हकीकत में यह ऐसा इफ्तरा है जिसकी कोई भी बुनियाद नहीं। एक ऐसा इल्जाम है जिसका दुनिया में कोई भी ऐनी शाहिद और गवाह नहीं हो सकता। कोई नहीं कह सकता और कभी नहीं कह सकेगा कि यह बात अमरे वाक्य है। हकीकत यह है कि हजरत मसीह पाक अलैहिस्सलाम के विसाल के मौके पर जो ऐनी गवाह थे, आपके खानदान के अफराद और आप पर जानसार करने वाले अपने सहाबा किराम, इन सब की मुत्तफिका ये शहादत है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का विसाल अपने बिस्तर पर हुआ। और इसके अलावा कोई भी बात जो कहेगा हकीकत में कुलियतन गलत बयानी है। तो इससे ज्यादा कोई अल्फाज में सख्त नहीं कहना चाहता, क्योंकि अगर दूसरों को हमारे जज्बात का एहतराम नहीं तो कम अज कम हमें शराफत की जुबान में कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो उनके लिए दिल आजारी का मूजब हो। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जो लोग पहले कुछ वक्तों में इस किस्म की बदजुबानियां करते रहे हैं और ये इल्जाम लगाते रहे हैं, वो अल्लाह ताला की पकड़ से महफूज नहीं रहे और अल्लाह ताला की पकड़ ने उन लोगों को पकड़ा और उसी किस्म की सजा उनको दी गई जिस किस्म की सजा उन्होंने यहां पर मंसूब करने की कोशिश की। तो आइंदा के लिए भी लोगों के लिए सबक है कि गलत बात तो अल्लाह ताला को पसंदीदा नहीं, झूठ सबसे ज्यादा जलील गंध है जो कभी इंसान कोई खा सकता है। इसलिए इस किस्म की बात से इज्तनाब करना चाहिए जो कुल्लियतन बेबुनियाद और सरासर बोहतान पर पकड़ से महफूज नहीं रहे और अल्लाह ताला की पकड़ ने उन लोगों को पकड़ा और उसी किस्म की सजा उनको दी गई जिस किस्म की सजा उन्होंने यहां पर मंसूब करने की कोशिश की। मुश्किलें क्या चीज है। महफूज नहीं रहे और अल्लाह ताला की पकड़ ने उन लोगों को पकड़ा और उसी किस्म की सजा उनको दी गई जिस किस्म की सजा उन्होंने यहां पर मंसूब करने की कोशिश की। किसी की कुछ कजा के सामने एक न एक दिन पे
पेश होगा, तूफ़ाना के साथ।